दोस्तों यार HDFC बैंक ने रिसेंटली कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर कैपिंग इंट्रोड्यूस की और यहाँ पर जो कैपिंग है अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स में इंप्लीमेंट कर देगा HDFC बैंक 1 सितंबर 2024 से। तो ये कौन से चेंजेस है उनको हम क्विकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन चेंजेस के बाद कौन सी HDFC बैंक की अलग अलग अच्छे क्रेडिट कार्ड से अलग अलग कैटेगरीज के उन सबको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। कैटेगरीज की बात करें लाइफस्टाइल कैटेगरी हो गया, शॉपिंग हो गया, रिवॉर्ड वाली हो गई, यहाँ पर ट्रेवल हो गया, फ्यूल हो गया और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स यानी कि इन सभी कैटेगरीज में कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं इन चेंजेस के बाद। इन सभी सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट क्रेडिट कार्ड चाहते हैं अलग अलग बैंक्स के, तो यहाँ पर रिसेंटली एक वीडियो मैंने पब्लिश किया, उसे आप वॉचआउट कर सकते हो। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि HDFC बैंक के कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं आफ्टर दीज चेंजेस। देखो यार, सबसे पहले चेंजेस को क्विकली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए थे। यहाँ पर दोस्तों जो भी यूटिलिटी स्पेंड्स आप करोगे उन पे कुछ क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर HDFC बैंक के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक वगैरह देते थे, लेकिन उन पे आप मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अब आप अर्न कर पाओगे और 1 सितंबर 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि टाटा न्यू इन्फिनिटी की जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर यूटिलिटी स्पेंड्स पे आपको न्यू कॉइंस देता था, तो मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही यहाँ पर अर्न कर पाओगे इन क्रेडिट कार्ड के अब से। और यहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड्स टेलीकॉम एंड केबल ट्रांजैक्शंस पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, तो उन पे भी यहाँ पर कैपिंग लग चुकी है। यानी कि पर ट्रीटमेंट साइकिल मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप इस वाली कैटेगरी में भी अर्न कर पाओगे। और इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की अब्जी यहाँ पर आप एजुकेशनल ट्रांजेक्शन करते थे, जस्ट लाइक क्रेड चेक, मोबिक्विक और भी काफी सारे एप्लीकेशन है, उन सब की अब्जी अगर आप यहाँ पर एजुकेशनल ट्रांजेक्शन करते थे तो पहले यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, तो अब यहाँ पर कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बशर्ते आप यहाँ पर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे या स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। या फिर POS मशीन की ऐप से अगर आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हो फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी भी मिलेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ऐप से कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाले। और इसके अलावा दोस्तों HDFC बैंक के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के अब से यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे उनकी अब से यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पे आप ज्वेलरी और यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स ले सकते थे रिवॉर्ड पॉइंट्स के अब से, लेकिन उस पर भी यहाँ पर इन्होंने लिमिटेशंस वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी है। तो चलिए यार दोस्तों, इन सभी चेंजेस के बाद अभी कौन से HDFC बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सबको एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं विद कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर आती है बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर लाइफस्टाइल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, इस कैटेगरी में यहाँ पर HDFC रेगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड रहता है। इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर 2500 रुपीज देखिए इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है, लेकिन जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड की फीस पे करके इस कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं तो इतने के ही यहाँ पर आपको वेलकम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं 2500 रुपए तक के। देखो यार, रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें इस क्रेडिट कार्ड में, तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है अगर आप 150 रुपए भी खर्च करोगे इन सभी ब्रांड पे, जस्ट लाइक नाइका, मिंत्रा, मार्क एंड स्पेंसर हो गया, रिलायंस डिजिटल, इन सभी ब्रांड्स पे, तो आपको यहाँ पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। यानी कि 150 रुपये खर्च करने पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा एज अ रिटेल अगर आप 150 रुपये भी खर्च करोगे तो आपको यहाँ पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के अब से मिल जाएंगे। लॉन्च बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि इंडिया के अंदर जितने भी यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यहाँ पर एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं उन सब पे यहाँ पर आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर माइलस्टोन बेनिफिट्स भी काफी डिसेंट है। यानी कि क्रेडिट कार्ड कहता है कि अगर आप 5,00,000 रुपए पूरे साल भर में इस क्रेडिट कार्ड के अलावा यहाँ पर स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक फ्लाइट वाउचर देखने को मिलेगा जिसकी वर्थ अप टू 5,000 रुपीज तक रहती है। और हाँ, अगर आप डाइनिंग डिस्काउंट्स चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डाइनिंग डिस्काउंट अप टू 20% तक देखने को मिल जाएंगे। इनके जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट है ऑल ओवर इंडिया उन सब पे आप डाइनिंग के लिए जाते हो और यहाँ पर पेमेंट आप स्विगी डाइन आउट के ऐप से करते हो तो उस पर आपको 20% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि एयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज अप टू 1 करोड़ रुपीज तक का ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट, एक और क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पर लाइफस्टाइल कैटेगरी में मिल जाता है, वो है HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इसकी जो जॉइनिंग फीस है ओनली 1000 रुपीज़ है और ये भी टोटली यहाँ पर रिकवर हो जाती है क्योंकि इतने के ही यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यानी 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आपको एज ए वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के अब से मिल जाएंगे और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 रुपीज़ मिलने वाली है और काफ़ी डिसेंट ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देगा। यानी कि अमेजन, बुक माई शो, स्विगी और मिंत्रा इन सभी ब्रांड्स पर अगर आप शॉपिंग करते हो यानी कि आप एक्सपेंसिस करते हो तो
आपको 5% तक का यहाँ पर ई कैशबैक देगा ई क्रेडिट कार्ड। इसके साथ ही इस पर भी आपको 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इनके जितने भी डाइनिंग पार्टनर्स हैं उन सब पे। यहाँ पर पेमेंट आपको स्विगी डाइन आउट की हेल्प से करना होगा और यहाँ पर डेफिनेटली आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर लॉन्च बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पूरे साल भर में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि प्रीवियस 3 मंथ्स में मिनिमम 1 लाख रुपीज स्पेंड करना होगा तभी ये लॉन्च बेनिफिट्स आप अवेल कर पाओगे। यही एक पूरी चीज़ है HDFC बैंक ने रिसेंटली अपने क्रेडिट कार्ड्स में इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से इनके जो भी लॉन्च बेनिफिट्स है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है या फिर मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको अवेल ही नहीं कर पाते। इसके साथ यहाँ पर आपको 50-day इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि ट्रेवल कैटेगरी में कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक के। तो इस कैटेगरी में भी यहाँ पर HDFC रेगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को जैसे आप लेते हो यहाँ पर एज अ वेलकम बेनिफिट यहाँ पर 2500 रुपीज तक का एक गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, जिसकी इजिली आप यहाँ पर एयरलाइन वगैरह में यूज कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आप एक्टिवेट कराते हो स्टार्टिंग के 90 डेज यानी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अगर आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर देते हो तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा सिल्वर टायर MMT ब्लैक एलीट मेंबरशिप आपको एक क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। देखो यार, अगर आप ट्रेवलिंग भी ज्यादा एक्सपेंसेस करते हो और यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के से अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे 1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो एज अ माइलस्टोन बेनिफिट उस पर आपको क्लब मेरिट का ई वाउचर मिलेगा, जिसकी वर्थ अप टू 1500 रुपीज तक रहती है। तो यानी कि आप पूरे साल भर में 4 क्लब मेरिट के यहाँ पर ई वाउचर्स ले सकते हो, तो इसमें भी आप 6000 रुपीज तक के वाउचर अवेल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप यहाँ पर पूरे साल भर में 5 लाख रुपए खर्च करते हो तो उस पर यहाँ पर आपको फ्री एक फ्लाइट वाउचर तो वैसे ही मिलेगा 5000 रुपीज तक का। और इससे ऊपर अगर आप और खर्च कर देते हो यानी कि 5 से ऊपर 7.5 लाख तक पहुंच जाते हो तो उस पे आपको एक और एक फ्लाइट वाउचर मिलेगा, जिसकी अगेन वर्थ 5000 रुपीस तक रहती है। देखो यार, इसी कैटेगरी में यानी कि ट्रेवल कैटेगरी में एक और अच्छा यहां पर क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का यानी कि इंडिगो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस की बात करें तो ओनली 700 रुपीस प्लस टैक्सेस देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको एक फ्लाइट वाउचर देखने को मिल जाता है, जिसकी वर्थ अप टू 1500 रुपीस तक रहती है। इसके अलावा यहां पर एक और होटल्स का यहां पर गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, जिसकी अगेन वर्थ 5000 रुपीस तक रहती है। तो अगेन ये सब चीजें आप अवेल कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि अगर आप इंडिगो की हेल्प से यहां पर फ्लाइट बुकिंग्स वगैरह करोगे तो उस पे आपको 2.5% यहां पर आपको कैशबैक मिलेगा, यानी कि आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर एंटरटेनमेंट ग्रोसरी और डाइनिंग वाली कैटेगरी भी अगर आप खर्चा करते हो तो उस पे 2% यहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाता है और इसके अलावा डाइनिंग प्रिविलेजेस भी आपको मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गुड फूड ट्रेल डाइनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है फ्यूल वाली कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी में HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड बेस्ट है तो यहाँ पर आ जाता है इंडियन ऑयल HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की वजह से पूरे साल भर में अप टू 50 लीटर तक का फ्यूल आप सेव कर सकते हो, यानी कि उतने तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस की बात करें तो ओनली 500 रुपीज प्लस टैक्सेस देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। अगर आप फ्यूल के लिए इंडियन ऑयल आउटलेट्स पे जाओगे तो अप टू 5% तक के यहाँ पर आपको फ्यूल पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रोसरीज और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे भी आपको 5% फ्यूल पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड से। और इसके अलावा यहाँ पर 1% फ्यूल सरचार्ज फीवर भी आपको दिया जाएगा। देखो यार, नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर कैशबैक वाला है। वैसे तो यहाँ पर SBI का सबसे बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको HDFC बैंक का कोई यहाँ पर कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिल जाता है HDFC बैंक का, जो कि यहाँ पर काफी डिसेंट आपको कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करता है। इस क्रेडिट कार्ड की से दोस्तों यहाँ पर आपको 10x यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप खर्चा करोगे तो अप टू 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड आपको देगा। और हाँ, अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर ओनली 50,000 रुपीज भी स्पेंड करोगे तो यहाँ पर आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट 500 रुपीज तक का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड की अगर आप ज्वाइनिंग फीस यानी कि 500 रुपीज पे करके इस क्रेडिट कार्ड को लोगे तो यानी कि आपको एक 500 रुपीज तक का वेलकम गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको 20% तक का आपको डाइनिंग डिस्काउंट्स देखने को मिल जाता है, सेम चीज है इसके अंदर भी, प्लस यहाँ पर 50 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाता है इस कार्ड में। और हाँ, अगर आप पूरे साल भर में 50,000 रुपीज तक स्पेंड कर देते हो इस कार्ड की हेल्प से तो नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल फीस नहीं पे करनी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर आती है ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए HDFC बैंक का कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर दोस्तों टाटा ने जितने भी यहाँ पर दूसरे अच्छे यहाँ पर कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स है ऑनलाइन कैटेगरी में
उन सबसे टक्कर लेने के लिए यहाँ पर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रखा है, काफ़ी टाइम से लॉन्च कर रखा है। इसकी जॉइनिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर 1499 यानी कि ₹500 प्लस टैक्सेस देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। इनकी टाटा न्यू एप्लीकेशन में जाके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप फीस पे करके इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो, इतने ही यहाँ पर आपको न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। देखो यार, टाटा ने कहा कि अगर इस क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट टाटा के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो अप टू 5% तक का आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। और इसके अलावा नॉन टाटा ब्रांड्स है उन सब पे अगर आप खर्चा करते हुए इस कार्ड के ऊपर से तो 1.5% का आपको यहां पर कैशबैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। लॉन्च बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली इसमें आपको लॉन्च बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। 8 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और 4 यहाँ पर इंटरनेशनल लॉन्च फीचर्स पूरे साल भर में आपको ये क्रेडिट कार्ड देगा। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका रिसेंटली हमने वीडियो पब्लिश कर रखा है, उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इजिली उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी मैंने उसमें एक्सप्लेन करी है, आप इजिली वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हो। दोस्तों लास्ट कैटेगरी यहाँ पर आई थी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 12,500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस देके इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। लेकिन जितने आप फीस पे करोगे उतने के ही यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो जॉइनिंग फीस है वो टोटली यहाँ पर आपकी रिकवर हो जाती है। देखो यार, इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मेरिट मेंबरशिप, इस मेंबरशिप की आपसे दोस्तों आपके स्टे एंड होटल बिल्स पे अप टू 20% तक का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा और ये एशिया पैसिफिक रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इस क्रेडिट कार्ड की अब से अगर आप प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए तक खर्च करते हो तो नेक्स्ट ईयर इसकी कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करनी होगी। देखो इस क्रेडिट कार्ड की अब से अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म की अब से ट्रेवलिंग वाले एक्सपेंसेस करोगे या फिर शॉपिंग करोगे तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी आप परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड देगा। और इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस, एजुकेशन और यूटिलिटी कैटेगरीज पे अगर आप 150 रुपए भी खर्च करोगे इस कार्ड की से तो अगेन आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड देगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो कैपिंग आपको बताई वो इसमें भी लागू होगी, तो इसमें भी आपको लिमिटेड चीजें ही देखने को मिलेगी पर स्टेटमेंट साइकिल। देखो यार, इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमने अच्छे से कवर किया है हमारे चैनल पे, तो उसे आप जाके वॉच आउट कर सकते हो। इसकी सारी A to Z चीजें उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मंथली कैपिंग वाली चीज़ें वो आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बाकी जो सारी चीज़ें वो एज इट इज सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगी इस कार्ड की। तो यार दोस्तों, ये रहे HDFC बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स आफ्टर दिस चेंजेस। वैसे इन चेंजेस की वजह से आपको ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं यूटिलिटी स्पेंड्स है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में ही इन्होंने चेंजेस किया है, यानी कि कैपिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिससे कि मिस यूज़ है जो क्रेडिट कार्ड्स का वो यहाँ पर थोड़ा सा रोकने की कोशिश इन्होंने की है, जो कि होना भी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन कैटेगरीज में ये क्रेडिट कार्ड्स अभी भी काफी फैंटास्टिक बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स को अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, इजीली वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इन क्रेडिट कार्ड्स को लेके अपने मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स आप अवेल कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।